हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रदेश संयोजक बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला हमीरपुर पहुंचे नवीन शर्मा का ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। काफी लंबे समय तक एबीवीपी से जुड़े रहने के बाद नवीन शर्मा को अब प्रदेश कौशल विकास निगम का कार्यभार सौंपा गया है। सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बीजेपी प्रदेश सचिव विजय पाल सुहारू, नगर परिषद अध्यक्षा सुलोचना देवी, उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज के अलावा काफी संख्या में युवाओं ने गर्मजोशी से नवीन शर्मा का स्वागत किया। हमीरपुर की नाल्टी से संबंध रखने वाले नवीन शर्मा इससे पहले एबीवीपी में उच्च पदों पर आसीन रहे हैं। नवीन शर्मा ने अपनी ताजपोशी पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, जेपी नड्डा, सांसद अनुराग ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती का आभार जताया है और कहा कि मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाया जाएगा। नवीन शर्मा ने कहा कि एबीवीपी छात्र संगठन में लंबे समय तक काम किया है और युवाओं को रोजगार संबंधी पेश आ रही समस्याओं के निवारण के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बेरोजगार युवाओं को स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलकर रोजगार देने के लिए काम किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, शांता कुमार जी, हमारे यहाँ के सांसद आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती जी, संगठन मंत्री पवन राणा जी और हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर जी, विजय जी, इन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि सब लोगों ने जो है वो मुझ जैसे कार्यकर्ता पर जो है विश्वास जताया और ये अहम जिम्मेदारी मेरे पास दी है। मैं सरकार को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी मेरे पास दी है या जो अहम जिम्मेदारी मुझे सौंपी है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उस पर मैं पूरा उतरने का, खरा उतरने का प्रयास करूँगा। देखिए, विद्यार्थी परिषद में लंबा समय काम किया है, लगभग 20 साल विद्यार्थियों के बीच में काम करते हुए विद्यार्थियों के बहुत सारे मुद्दों के बारे में जानकारी हमें रही है और ये बेरोजगारी की समस्या केवल इस प्रदेश की नहीं है, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या है। तो इस प्रदेश के और इस देश के भी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी द्वारा जो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है, स्किल इंडिया एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत जो है वो छोटे छोटे कोर्सेज जो है वो अपना युवाओं को देकर जो है उनका सर्टिफिकेशन देकर जो है उनको सर्टिफाई किया, सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है। वो चाहे 3 महीने के कोर्स हैं, 6 महीने के कोर्स हैं, 1 साल के कोर्स हैं और इन कोर्सेज के माध्यम से जो है वो युवाओं के अंदर जो बेरोजगारी हो रही है उस बेरोजगारी को ख़त्म करने का प्रयास जो है इस देश की और प्रदेश की सरकार कर रही है। तो इस कौशल विकास निगम के कोऑर्डिनेटर के नाते मुझे जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले समय में मेरा ये रोल रहेगा, मेरी ये भूमिका रहेगी, मेरी ये जिम्मेदारी रहेगी कि इस प्रदेश के अंदर जो है वो जगह जगह पर ऐसे बेरोजगार युवाओं को जो है वो नए नए स्किल डेवलपमेंट के सेंटर जो है वो खुलवाए जाएं और नए नए प्रोजेक्ट्स, नए नए स्कीम्स जो हैं वो इसके अंतर्गत जो है वो युवाओं के बीच में पहुंचाई जाएं।